Hello chess lovers and my friends, welcome to the chesslessons.com and part 7a of chess opening. So aaj ka hamara jo topic hai wo hai Caro-kann defense and usme hum aaj classical variation dekhne wale hai. So Caro-kann defense start hota hai with move e4 and c6 by black. So yahan pe black campaign ka plan jo hai wo bahut hi zyada simple hai ki jaise hi white yahan pe koi bhi move attempt karega, jaise ki usne yahan pe attempt kiya d4, तो ब्लैक यहां पे अटैक कर देगा d5 एंड इमीडिएटली ही वो सेंटर पे अटैक करेगा, साथ ही साथ अपने इस लाइट स्क्वायर बिशप को वो फ्री कर देगा जो कि वो फ्रेंच डिफेंस के अंदर नहीं कर पाता है. तो Caro-kann डिफेंस जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक ओपनिंग चॉइस है एज अ ब्लैक एंड हाई लेवल पे वो इतनी ही ज्यादा पॉपुलर है. हाउएवर Caro-kann डिफेंस के डिसएडवांटेजेस भी है कि वो अपने किंग साइड पीसेस को इतना फास्ट डेवलप नहीं कर पाएगा. तो आफ्टर c6 व्हाइट मोस्टली यहां पे अटेंड करेगा d4 जो कि एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही स्ट्रांग मूव है एज अ व्हाइट पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो अपने सारे पीसेस को फ्री कर रहा है एंड साथ ही साथ सेंटर कंट्रोल भी कर रहा है. तो यहां पे ब्लैक सिंपल अटेंड करेगा जैसा कि उसका प्लान था d5 एंड यहां पे व्हाइट के पास डिफरेंट ओपनिंग चॉइसेस है, जैसे कि वो उसको टेक कर सकता है जिसको उसको हम एक्सचेंज वेरिएशन बोलते हैं, या फिर वो e5 अटेंड कर सकता है, या फिर वो नाइट टू c3 अटेंड कर सकता है जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है एंड जिसको हम क्लासिकल वेरिएशन बोलते हैं. तो मैं यहां पर ट्राई करूंगा कि मैं सभी लाइन जो है वो मेन लाइन कवर कर दूं, लेकिन हो सकता है कि शायद कोई लाइन मैं मिस कर सकता हूं. तो आप अगर ऐसा कुछ भी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहां पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ओपनिंग पॉसिबिलिटीज है एज अ व्हाइट एंड ब्लैक बोथ पर्सपेक्टिव. तो यहां पे व्हाइट अटेंड करता है नाइट टू c3 एंड साथ ही साथ वो अपने इस पॉन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है. आफ्टर मूव नाइट टू c3 ब्लैक सबसे पहले इस पॉन को कैप्चर कर देगा. तो डी क्रॉस e4, नाइट क्रॉस e4 एंड यहां पे ब्लैक के पास तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि नाइट टू f6 और नाइट टू d7 और बिशप टू f5. मैं तीनों रिस्पॉन्सेस को कवर करने की कोशिश करूंगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको अपनी गेम में यूज कर सकते हो. सबसे पहले देखते हैं नाइट टू f6. आफ्टर मूव नाइट टू f6, नाइट क्रॉस f6 प्लस, यहां पे ब्लैक दो तरीके से इस नाइट को कैप्चर कर सकता है. सबसे पहले देखते हैं जी क्रॉस f6. आफ्टर मूव जी क्रॉस f6, यहां पे ब्लैक के पास डबल पॉन आ चुके हैं, लेकिन ब्लैक का रुक जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है g5 पे. आफ्टर मूव g8, रुक टू g8, साथ ही साथ ब्लैक सारे के सारे अपने पीसेस डेवलप कर सकता है अच्छी तरीके से, जो कि Caro-kann डिफेंस का मेन प्रॉब्लम होता है कि वो अपने किंग साइड के पीसेस डेवलप नहीं कर सकता जल्दी से एंड वो अपने डबल पॉन को कभी भी रिमूव कर सकता है वाया मूव e5. लेकिन यहाँ पे ब्लैक के पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि उसके पास तीन डिफरेंट पॉन आइलैंड, जो कि एक छोटी सी वीकनेस हो सकती है ब्लैक के लिए एज इन एंड गेम. तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके क्लियर कर सकता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे ब्लैक अपनी गेम खेल सकता है. तो यहाँ पे व्हाइट अटेंड कर सकता है नाइट टू f3. तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा लाइट स्क्वायर बिशप डेवलप करेंगे बिशप टू g4. आफ्टर हम बिशप टू g4, बिशप टू e2, अब हम हमारे नाइट डेवलप करेंगे नाइट टू d7. यहाँ पे व्हाइट कैसलिंग कर सकता है या फिर अटेंड कर सकता है h3, बिशप टू h5 कैसलिंग एंड यहाँ पे हम हमारे दूसरा बिशप भी डेवलप करेंगे वाया हम बिशप टू g7. यहाँ पे अगर व्हाइट ने अटेंड किया बिशप टू f4 जैसा मूव, तो हम अटेंड करेंगे e5, डी क्रॉस e5 एंड एफ क्रॉस e5. आप देख सकते हो कि हमारा जो डबल पॉन था वो भी हमने रिमूव कर दिया है. आफ्टर मूव बिशप टू g3, यहाँ पे हम कैसलिंग कर सकते हैं एंड अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे व्हाइट ने अटेंड किया रुक टू c1, किंग टू h8 एंड हम हमारे रुक को भी बहुत ही अच्छा एक्टिव कर सकते हैं एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और हमारी क्वीन को भी अच्छे से डेवलप करके दो रुक को कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया जी क्रॉस f6. अगर इस पोजीशन के अंदर यहाँ पे ब्लैक अटेंड कर सकता है ई क्रॉस f6, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर ई क्रॉस f6 ब्लैक के पास फिर से डबल पॉन आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक के पीसेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो सकते हैं, जो कि हमने देखा था
जो कि हमने देखा था कि जीक्रॉस एप सिक्स में भी अच्छे से डेवलप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक के पास कोई अच्छा वे नहीं है कि किस प्रकार से वो अपने डबल पॉल को रिमूव कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक के पास यहाँ पे सिर्फ दो पॉल आइलैंड है जो कि प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट के पास क्वीन साइड पे फोर पॉल है एंड ब्लैक के पास तीन पॉल है, तो यहाँ पे व्हाइट पॉल पुशिंग से ब्लैक पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको इसमें भी एक छोटी सी गेम दिखाता हूँ, जैसे कि आफ्टर मूव इक्रॉस एफ सिक्स नाइट टू एफ थ्री बिशप टू डी सिक्स, हमने हमारा डार्कफोर बिशप यहाँ पे डेवलप किया, बिशप टू डी थ्री कैस्टलिंग कैस्टलिंग बिशप टू जी फोर, हमने हमारा लाइट स्क्वेयर बिशप भी डेवलप कर दिया, यहाँ पे वो अटेंड कर सकते हैं बिशप टू ई थ्री एंड नाइट टू डी सेवन, हमने हमारा नाइट डेवलप कर दिया, हमने हमारे सारे माइनर पीसेस डेवलप कर दिए हैं। यहाँ पे वो कोई भी मूव अटेंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो एच थ्री अटेंड करे तो हम फिर से यहाँ पे बिशप टू एच फाइव अटेंड कर देंगे, यहाँ पे अगर उसने रूक एक्टिव किया हम सिंपल हमारी क्वीन को यहाँ पे एक्टिव करके बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इस डायगोनल पे। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, आफ्टर नाइट टू एफ सिक्स व्हाइट के पास एक और मूव है नाइट टू जी थ्री, जो कि आप देख सकते हो कि अब हम हमारे बिशप को इस डार्क पर बिशप को आसानी से डेवलप नहीं कर सकते, उसका मीनिंग यही है। तो यहाँ पे ब्लैक के पास एक बहुत ही अच्छा मूव है एच फाइव, आफ्टर एच फाइव यहाँ पे व्हाइट का मेन मूव हो जाता है एच फोर, लेकिन यहाँ पे वो अगर बिशप टू ई थ्री अटेंड करता है तो हम सिंपल एच फोर अटेंड करेंगे, उसका नाइट रिट्रीट होगा ई टू स्क्वायर पे नाइट टू ई टू, हम हमारे बिशप को अच्छे से डेवलप करेंगे, हम जी पॉन टू जी टू जी सिक्स अटेंड करके हमारे इस बिशप को अच्छे से डेवलप करेंगे, कैस्टिंग कर सकते हैं, क्वीन को डेवलप कर सकते हैं, नाइट ये भी डेवलप हो रहा है, मतलब ऑल एंड ऑल ब्लैक के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे व्हाइट का मेन मूव हो जाएगा एच फोर, आफ्टर एच फोर बिशप टू जी फोर जो कि क्वीन पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे दो पॉसिबल मूव है बिशप टू ई टू और एफ थ्री। सबसे पहले देखते हैं एफ थ्री, आफ्टर एफ थ्री क्वीन टू सी सेवन जो कि इसका नाइट पे अटैक कर रहा है, नाइट जी वन टू ई टू बिशप टू डी सेवन, हमको हमारे बिशप को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हम बिशप पे अटैक है एंड बिशप टू एफ अब हमारी क्वीन पे अटैक है एंड आप लोग सोचेंगे कि यार ये यहाँ पे तो कैरोकन गेम खेलने लायक नहीं है, कैरोकन डिफेंस बहुत ही बकवास डिफेंस है क्योंकि बहुत ही ज्यादा अटैक आएगा इस तरह की पोजिशन में। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोजीशन है वो टू टाइम्स अकर हुई है एक्चुअल गेम में, मैंने डेटाबेस में सर्च किया कि उसमें से वन टाइम ड्रॉ हुई है एंड वन टाइम जो है वो ब्लैक वन हुआ है इस पोजीशन में। तो किस प्रकार से आगे खेलेंगे तो हम उसी गेम का एग्जांपल से जो कि वन हुई थी यहाँ पे ब्लैक, उसी गेम का एग्जांपल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वीन को वापस नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत ही पीछे हो जाएंगे डेवलपमेंट में, क्वीन टू बी सिक्स क्योंकि दो पॉन पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। After queen to b6, गेम में अटेंड हुआ था c3। अगर हम इस पॉन को टेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बहुत ही पीछे डेवलपमेंट में हैं, तो व्हाइट यहाँ पे ऑनर बहुत ही अच्छा प्रेशर क्रिएट करेगा ब्लैक पे एंड शायद या ब्लैक जल्दी ही हार जाएगा। तो e6 यहाँ पे जो कि हमारा इस ब्लैक के इस डार्क स्क्वायर बिशप को फ्री कर रहा है, queen to b3 जो कि अगर हमने उसकी क्वीन को टेक किया तो वो हमारे इस क्वीन को पॉन से टेक करके उसके रुक को एक्टिव करेगा। तो गेम के अंदर अटेंड हुआ था c5 जो कि अब हमारे नाइट के पास एक स्क्वायर है, तो नाइट टू e4, नाइट क्रॉस e4, f क्रॉस e4 एंड बिशप टू c6 जो कि इस पॉन पे अब अटैक कर रहा है। तो आफ्टर बिशप टू c6 क्वीन टू c2 जो कि इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, नाइट टू d7 हमने हमारे नाइट को डेवलप कर दिया। आप देख सकते हो कि हम हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट ही करने वाले हैं, थोड़े ही स्टेप में हम कैसलिंग भी जल्दी कर सकते हैं। गेम के अंदर अकर हुआ था लॉन्ग कैसलिंग, आफ्टर लॉन्ग कैसलिंग नाइट टू एफ सिक्स, आप देख सकते हो कि अगर उसने ई फाइव अटेंड किया तो नाइट टू जी फोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों स्क्वायर पे वो बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे अटेंड हुआ था नाइट टू जी थ्री, आफ्टर वो नाइट टू जी थ्री यू कैन स्टिल प्ले नाइट टू जी फोर, लेकिन एक बहुत ही अच्छा मूव है वो हमको फाइट करना सी क्रॉस डी फोर, आफ्टर सी क्रॉस डी फोर सी क्रॉस डी फोर रूट टू सी एट एंड यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया था एज अ व्हाइट, किंग टू बी वन, आफ्टर किंग टू बी वन बिशप क्रॉस ई फोर एंड व्हाइट ने यहाँ पे सिंपल रिजाइन कर सकता है क्योंकि उसकी क्वीन जो है प्रॉब्लम है, तो सॉरी क्वीन गॉन ही हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हम
अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं उस प्रकार के पोजीशन से एंड किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस पोजीशन के अंदर एक और पॉसिबिलिटी है कि F3 की बजाय यहाँ पे अटेंड हो बिशप टू E2। तो मैं आपको ये भी बता दूं ये पोजीशन भी फाइव टाइम अकर्स हो चुकी है ओरिजिनल गेम्स में एंड इस पोजीशन से थ्री टाइम ब्लैक वन हुआ है, वन टाइम ड्रॉ हुई है गेम एंड वन टाइम व्हाइट वन हुआ है। तो यहां से हम अटेंड करेंगे e6। अब आप देख सकते हो हम सभी पीसेस फ्रीक्वेंटली डेवलप कर सकते हैं, हमारा टैक्स पर बिशप है, नाइट डेवलप कर सकते हैं। आफ्टर e6 नाइट टू f3 मैं आपको एक सिंपल सी गेम का एग्जांपल देता हूं बिशप टू d6। अब आप देख सकते हो हमारे पीसेस डेवलप्ड हो चुके हैं 100%, सिर्फ नाइट बाकी है। तो आफ्टर बिशप टू d6 अपोनेंट या इस तरह की पोजीशन पे ये मूव ट्राई कर सकता है नाइट टू e5। यहां पे हमारे बिशप पे थ्री टाइम्स अटैक कर रहा है क्योंकि हमारे पास डिफेंडर है दो। तो यहां से अगर हमने बिशप क्रॉस ई5 अटेंड किया, आफ्टर बिशप क्रॉस ई5 डी क्रॉस ई5 क्वीन टू ए5 प्लस एंड बिशप टू डी2 हम सिंपल इस पॉल को टेक कर सकते हैं। तो अगर आपका अपोनेंट इस तरह की पोजीशन के अंदर ऐसा कोई मूव अटेंड करता है जैसे कि नाइट टू e5, तब इस प्रकार से गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पे बिशप टू d2 पॉसिबल मूव है, आफ्टर बिशप टू b2 नाइट b2 d7 शॉर्ट कैसलिंग एंड क्वीन टू c7 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। आप देख सकते हो कि ब्लैक यहाँ पे ऑल अराउंड बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, बहुत ही अच्छा प्रेशर क्रिएट हुआ है इस पे एंड अगर यहाँ पे इस तरह की पोजीशन के अंदर अगर उसने मूव अटेंड किया जिस सच एज क्वीन टू H2 जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो हम सिंपल मूव अटेम्प्ट कर सकते हैं नाइट टू e4 एंड आप देख सकते हो कि देयर इज नो एस्केप फॉर दिस नाइट। तो अब हम हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है नाइट टू f6, अब हम देखने जा रहे हैं नाइट टू d7। तो आफ्टर नाइट टू d7 हमारा प्लान जो है कि हम नाइट टू f6 अटेम्प्ट करेंगे, अगर उसने हमारे नाइट को टेक किया तो हम नाइट से ही टेक बैक करेंगे, हम पॉन से टेक बैक नहीं करेंगे इस बार, तो हमारा स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा। तो अब वो अटेंड कर गए जैसे कि उसने अटेंड किया नाइट टू f3 जो कि मोस्टली केसेस में होता है, या फिर वो बिशप डेवलप करे कुछ भी है एक ही चीज है, हम नाइट टू g5 अटेंड करने वाले हैं। तो आफ्टर नाइट टू g5 नाइट टू g3, अगर वो हमारे नाइट को नाइट से टेक नहीं करेगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होगा, आफ्टर नाइट टू g3 c5 हम अटेंड करेंगे। अब उसके पास दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, का तो वो अपने पॉन को पॉन से प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर वो हमारे पॉन को टेक कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं वो c3 से अपने पॉन को प्रोटेक्ट करता है, तो आफ्टर c3 c क्रॉस d4 अब वो हमारे पॉन को पॉन से टेक नहीं कर सकता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी एंड गेम बहुत ही वीक हो जाएगी क्योंकि अब इस पॉन को आसानी से टेक कर सकते हैं एंड उसको उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत सारे डिफेंडर्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो हम अटेंड करेंगे उसने अटेंड किया नाइट क्रॉस d4, तो अब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले नॉर्मल हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम e5 अटेंड करते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे e5 अटेंड किया तो नाइट रिट्रीट होने की जगह पे अटेंड कर सकता है जैसे कि उसने अटेंड किया नाइट d2 f5, यहाँ पे उसने ये मूव अटेंड किया, अब हम g6 अटेंड करेंगे तो वो नाइट टू h6 अटेंड कर लेगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर हमने उसको टेक किया तो वो बिशप से टेक करेगा, मतलब कि हम हमारी एक बिशप पैर लॉस कर जाएगी, उसके पास दोनों बिशप पैर रहेगी, मतलब कि व्हाइट यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूव प्लेएबल नहीं है, ये भी प्लेएबल मूव है, इस पोजीशन के अंदर ये भी प्लेएबल मूव है, लेकिन बेटर रहेगा कि सबसे पहले हम g6 मूव अटेम्प्ट करें। अगर हम g6 मूव अटेम्प्ट करते हैं तो उसका नाइट सबसे पहले f5 स्क्वायर पे नहीं आ सकता है एंड गेम हम शायद जा सकते हैं e5 स्क्वायर के लिए, या फिर बहुत सारी उस वो किस प्रकार का मूव अटेंड करता है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये वेरिएशन भी, अब दूसरी इस वेरिएशन में हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं कि जहां पे वो हमारे पॉन को टेक कर लेता है, मतलब कि वो डी क्रॉस सी5 कर लेता है। तो अब हम उसको नाइट से टेक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको नाइट से टेक किया तो हमारा बिशप तो फ्री हो रहा है लेकिन हमारे नाइट थोड़ा सा मिसप्लेस लगेगा। तो यहाँ पे हम e6, तो आफ्टर e6 अब उसके पास तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिशप टू
e3, अगर यहां से वो बिशप टू e3 अटेंड करता है तो हम सबसे पहले बिशप क्रॉस c5 अटेंड करेंगे. आफ्टर बिशप क्रॉस c5 एंड बिशप क्रॉस c5 हम कभी भी नाइट क्रॉस c5 नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी क्वीन को टेक करके हमारा कैसलिंग लॉस करवा देगा. तो हम क्वीन टू f5 प्लस करेंगे. आफ्टर क्वीन टू f5 सॉरी किंग टू f5 प्लस अब हम इस बिशप को टेक कर सकते हैं. तो अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं जहां पे वो b4 अटेंड करता है. b4 अटेंड करने के बाद उसका जो रुक है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो हम यहां पे अटेंड कर देंगे d6. अब उसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, वो सबसे पहले हमारे इस पॉन को टेक कर सकता है या फिर इस पॉन को अवॉइड कर सकता है एंड अपना सिंपल डेवलपमेंट कर सकता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि वो हमारे पॉन को टेक करता है, हमारे पॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. तो अगर वो हमारे पॉन को एक्सेप्ट करता है तो बिशप क्रॉस b4 एंड बिशप टू d2 क्वीन क्रॉस b6. अब आप देख सकते हो कि हमने हमारे पॉन जो है वो वापस ले लिए है. अगर वो यहां से रुक टू b1 जैसा प्लान करता है तो वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी बिकॉज ऑफ बिशप क्रॉस d2 प्लस. एंड यहां से अब वो क्वीन से टेक नहीं कर सकता क्योंकि उसका रुक हैंगिंग है, तो यहां से उसको किंग से ही टेक करना पड़ेगा एंड वो अपना कैस्टिंग जो है वो लॉस्ट कर देगा. तो यहां से इस तरह की पोजीशन के अंदर बेटर होगा कि वो हमारे पॉन को अवॉइड कर दे, हमारे पॉन को टेक ना करे एंड कोई भी रैंडम हो जैसे कि वो बिशप टू d2 अटेंड करे. आफ्टर बिशप टू d2 b क्रॉस c5 एंड बिशप क्रॉस c5 हम अच्छी पोजीशन में फिर से एक बार आ सकते हैं. हमारा रुक बहुत ही अच्छा से डेवलप हो सकता है. हमारा ये दोनों का दोनों आप देख सकते हो कितने एक्टिव हो सकते हैं आफ्टर बिशप टू सिंपल b7. तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक के पास बहुत ही अच्छी पोजीशन आ जाएंगी. तो अब हम एक और पॉसिबिलिटी जो कि सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है व्हाइट की कि वो यहाँ से c6 अटेंड करे. आफ्टर c6 b क्रॉस c6 हमारा जो रुक है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास दो वीक पॉन आ रहा है जहां पे व्हाइट एंड ब्लैक बोथ इक्वल पोजीशन पे है. दोनों के पास विनिंग चांसेस इक्वल है क्योंकि हमारे पास ये जो वीक पॉन है उसको वो एक्सपोज कर सकता है एंड हम ओपन फाइल को एक्सपोज कर सकते हैं, हमारे क्वीन को डेवलप कर सकते हैं. हमारा बिशप जो है अच्छे से डेवलप हो रहा है. उसका बिशप थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा डेवलप करने में क्योंकि उसका ये पॉन है जो थोड़ा सा वीक हो जाएगा. मतलब कि यहाँ पे बोथ मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाइट या फिर ब्लैक 100% विनिंग पॉसिबिलिटी है के पास भी, दोनों के पास इक्वल पॉसिबिलिटी है आफ्टर दिस. तो अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है जो कि है बिशप टू f5, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा वीडियो हो चुका है. तो अब आपको अगर कोई भी नाइट टू d7 और नाइट टू f6 में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है व्हाइट के अंदर एंड स्पेशली कैरोकन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं. जो अगर मैंने नाइट टू d7 एंड नाइट टू f6 में बताया उसमें मैं होप सो कि कोई मोस्टली मैंने सभी मेन लाइंस कवर किए हैं. अगर कोई मेन लाइन में शायद रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा एंड वीडियो बनाने जैसा होगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा.